सो है वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपली मुंबई सीरीज में, और एक नए दिन और एक नई जगह पे। तो आज उनका हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं दादर में सिद्धिविनायक मंदिर और सेकेंड शिवाजी पार्क। सो अभी हम लोग पहले सिद्धिविनायक मंदिर जा रहे हैं, अभी टाइम हुआ है 10 बज गए, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से फिर जाएंगे हम लोग नारली बाग शिवाजी पार्क। तो बने रहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो अभी हम लोग चलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि दादर स्टेशन से हार्डली 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है सिद्धिविनायक टेम्पल। आप किसी को भी पूछ सकते हो, अगर आप वॉकेबल नहीं आ सकते तो वहाँ से टैक्सी भी है आपको आने के लिए, 28 रुपीज़ जो मीटर है उसके अंदर ही आप आ जाओगे, या फिर वहाँ से बसेस भी है शुरू, तो बस एग्जैक्ट नंबर मुझे मालूम नहीं, तो बस से भी आप आ सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग चलेंगे आगे आगे, और चलते हुए आते समय आप एक याद रखना कि आप जैसे स्टेशन से उतरते आओगे बीच में आपको एक चर्च लगता है, और चर्च के यहाँ से क्रॉसिंग करके राइट लेके आपको आना है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे और मंदिर के अंदर का व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। इसे आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ मंदिर का एंट्री गेट है, और यहाँ पे लाइन लगती है, तो लड़कियों के लिए अलग है, लेडीज लोगों के लिए और जेंट्स के लिए अलग है। और यहाँ पे आपको फूल वगैरह जो कुछ चढ़ाना होगा वो आप ले सकते हो यहाँ से, लेकिन अंदर चढ़ाने नहीं देते। ठीक है, तो आप लेके जा सकते हो, मतलब अभी देते हैं, पहले जब लॉकडाउन था तब अंदर कुछ भी लेके जाने के लिए नहीं देते थे, अभी दे रहे, तो आप ले सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे जाके अंदर जो पुजारी होते हैं उनके पास दे सकते हो फूल चढ़ाने के लिए, और देख सकते हो कितने लोग आए। आज सैटरडे, फिर भी देख सकते हो कितने लोग आए, ट्यूसडे के दिन बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं। तो 5 मिनट्स लाइन में खड़े रहने के बाद हम लोग अंदर आ चुके हैं, और भीड़ देख सकते हो मेरे पीछे कितने सारे लोग आए सैटरडे के दिन भी। तो यहाँ पे शूज़ रैक भी है, लेकिन वहाँ पे फूल है, तो आपको इस तरीके से आपके चप्पल बाहर रखने पड़ेंगे ओवर ब्रिज पे। यहाँ से वैसे भी कोई चोरी करता नहीं है, लेकिन चांसेस है, तो आप रुके रहना वहाँ पे। अभी हम लोग भी जाके वहाँ पे रुकेंगे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बाहर कुछ फूल वगैरह लेके चप्पल रखने से अच्छा अंदर आके आप रख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग शूज़ रखेंगे और अंदर जाएंगे। आपको मेन एंट्री गेट पे अगर शूज़ रखने के लिए नहीं मिलता है, तो आप जैसे अंदर आओगे जहाँ से लाइन है वहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपके ये कर सकते हैं। ठीक है, तो शूज़ निकालने के बाद आपको यहाँ पे हाथ पैर धोने के लिए जगह दी है, उसी के बाजू में आप अगर ओल्ड एज है कोई आपके साथ, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ पर पर्सन दे के आप VIP लाइन से अंदर जा सकते हो, जिसका जो लाइन है वो बहुत कम है, और जो बाकी लाइन है वो बहुत बड़ा है। तो अभी हम लोग तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ओल्ड एज नहीं है, तो हम लोग जाएंगे पूरे लाइन से। और मैं आपको कहूँगा, अगर आप यहाँ पे श्रद्धा के साथ आते हो, मतलब श्रद्धा मन में रख के, नॉट वो वाला, तो आप यहाँ पे आके लाइन में लगे रहना, तो ही आपकी जो मनोकामना होगी वो पावन होगी, वरना क्या ही मतलब वो VIP लाइन से जाने का। और भीड़ देखिए कितना है, बहुत ज़्यादा है, 2 घंटा तो मिनिमम जाएगा। चलिए, तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अंदर भीड़ देख सकते हो बहुत, इधर भाविक लोग आए, और वो देखो वहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये मुख दर्शन लाइन होता है, जो 5 मिनट में आपका दर्शन हो जाएगा। तो अगर आप 2 घंटा नहीं रुक सकते हो, तो वहाँ पे आके सीधा आप दर्शन ले सकते हो दूर से ही, और चले जा सकते हो। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर मिलते हैं आपको बाहर। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, भीड़ देख सकते हो बहुत है, दर्शन कर लो सब जन। तो दोस्तों, फाइनली हमारा दर्शन लेके हो चुका है, और अभी हम जाएंगे शिवाजी पार्क नारली बाग, दिखाएंगे आपको। अभी शायद से वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटा गया हमारा अंदर, तो अभी जाएंगे देखेंगे, हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको दिखा पाए। और यहाँ पे ओंकार भाई का झगड़ा भी हो चुका है, वहाँ के गार्ड वालों के साथ डिशुम कर रहे थे ओंकार भाई, वो भी बता, हाँ, क्योंकि वो फोटो निकाल रहे थे। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर जो अंदर का एरिया है वहाँ पे अगर आपको फोटो खींचने मिल रहा है, तुरंत खींच लीजिए और निकल जाइए, जैसे हम लोग ने वीडियो में दिखाया आपको इसके पहले। ठीक है, तो वो वीडियो जो कुछ करना है वो अंदर के अंदर करना है, एक बार बाहर आ गए तो वो लोग करने नहीं देते, वो लोग वॉर्न भी करते हैं, पर वॉर्न करने के बाद भी आप सुनोगे नहीं तो वो लोग एक्शन ले लेंगे, और उन्होंने लिया था, बट रिक्वेस्ट करेंगे तो छोड़ भी देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाके दिखाएंगे आपको। ठीक है, अगर आप दादर साइड से आते हो तो इस साइड से आओगे, और सिद्धिविनायक के पास से एक आपको बस है 37 कुरला करके, वो डायरेक्टली आपको शिवाजी पार्क के सामने छोड़ देते, तो यहाँ से सीधा जाएंगे अभी हम लोग यहाँ पे, ये है शिवाजी पार्क मैदान, और यहाँ से हम लोग सीधा सीधा जाएंगे अभी। सो ये हम लोग शिवाजी पार्क गार्डन में आ चुके हैं, और यहाँ पे ही क्रिकेट के जो कुछ होते हैं नेट्स वगैरह प्रैक्टिस, तो देख सकते हो आप मेरे सामने जो ओपन एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूरा नेट्स वगैरह होता है। अभी समथिंग कुछ है, फेस्टिवल वगैरह रहता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चालू रहता है, तो उस टाइम बंद रहता है, तो आप यहाँ पे आके आ सकते हो। तो ये है मेन शिवाजी पार्क,
और अभी हम जाएंगे सी साइड जो दादर चौपाटी वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे एक नारली बाग करके और एक ओपन डेक जो हम लोग ने गिरगांव चौपाटी के पे देखा था सेम वैसे ही यहाँ पे भी ओपन हुआ है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये आजू बाजू का एरिया और वो रही कोहिनूर बिल्डिंग। सो ये है बाहर सर ठाकरे जी का स्मृति स्थल जहाँ पे वो ज्वाला अग्नि दिख रही है आपको, जो मशाल दिख रही है, एक सेकंड में दिखा देता हूँ, वो देखिए वो कायम वैसी ही रही थी। तो अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं, चलिए अभी मंदिर के पास चलते हैं। ये है गणेश मंदिर शिवाजी पार्क का और उसके ही सामने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला देख सकते हैं, कितना सुंदर दिख रहा है ये धूप के सामने, आप भी देख सकते हो बहुत सही दिख रहा है। और ये रहा हमारा शिवाजी पार्क, काफ़ी सुंदर ये है। चलो अंदर जाते हैं दर्शन लेते फिर मिलते हैं आपको। सो अभी हमें यहाँ पे आते आते 3 बज चुके हैं और ये मंदिर जो है 2 बजे बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है और इवनिंग में 4:30 को फिर से ओपन होता है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 4:30 बजे आना। और मंदिर काफ़ी सही है अंदर से और एरिया भी देख सकते हो आप बहुत सही है। तो अभी मैं अंदर का दिखा देता हूँ आपको बाहर से और फिर चलते हैं चौपाटी पर। अभी हम लोग चलते चलते जा रहे हैं और जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ पे लोकेशन पे। और वहाँ पे ओपन डेक है वो थोड़ा दूर है तो वो भी पहला कवर करेंगे। पहला अभी हम लोग नारली बाग में जाएंगे, देखेंगे वो ओपन है या नहीं, शायद से नहीं रहेगा इस टाइम पे, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे वो कवर करने का। ठीक है चलिए। फाइनली गाइस हम लोग शिवाजी पार्क में आ चुके हैं। ये है नारली बाग जिसमें आपको ये ऐसे पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे आकर आप फोटो खींच सकते हो। और गार्डन देखिए कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा गार्डन है और बहुत सही है। और कपल्स के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, ये कपल्स के लिए पॉइंट है, मतलब फैमिली मेंबर्स भी आ सकते हो लेकिन मोस्टली यहाँ पे कपल्स लोग आते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे बीच में और बीच दिखाएंगे आपको और ये गार्डन काफ़ी बड़ा है। तो चलिए चलते हैं। मैं आने के 2 एंट्री है, देखिए एक यहाँ से है और एक सामने से है, जो चैत्यभूमि रोड है ना वहाँ से एक एंट्री है पर एक बीच में से है शिवाजी पार्क जो पार्क है वहाँ से। तो ये देख सकते हो गार्डन कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे लोग आते हैं। और शाम के टाइम पे गिटार लेके भी बहुत सारे लोग आते हैं जो गाने गाते बैठे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अभी डांस का प्रैक्टिस शुरू है तो डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत सही गार्डन और काफ़ी बड़ा है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं बीच पे, ये इसका नाम है नारली बाग, याद रखना क्या है ना। तो आप यहाँ से इंटर करोगे तो ये चैत्यभूमि एरिया है और ये देखिए यहाँ से जो रास्ता है वो चैत्यभूमि की तरफ जाता है। और ये सामने है नया खुला हुआ शिवाजी पार्क ओपन डेक और ये रहा अपना बीच। तो ये देखिए यहाँ पे हॉर्स राइड है, ये है व्यूइंग डेक और उसके बाजू में ये हॉर्स राइड आप ले सकते हो। उसके चार्जेस है वो हमेशा रोटेशन मतलब बदलते रहते हैं, इवनिंग के टाइम आओगे तो थोड़े ज़्यादा रहते हैं, दोपहर में आओगे तो थोड़े कम होते हैं। फिर यहाँ पे पानीपुरी स्टॉल है बहुत कुछ खाने के लिए, जैसे कि ये देखिए हम लोग ने गोला लिया, अभी हम लोग गोला इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे बीच में आने के बाद। और ये देखिए पंछी, तो बहुत सही है, तो आप आ सकते हो इन्जॉय कर सकते हो फैमिली के साथ, बहुत ही सही है। तो चलिए अभी हम लोग जाएंगे व्यूइंग डेक। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जो दादर मतलब दादर चौपाटी कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये देखिए ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको ये पूरा का पूरा दादर चौपाटी। और ये अभी ओपन डेक है जो नया ओपन हुआ है और उसके वजह से दादर चौपाटी की जो खूबसूरती है वो 4 गुना बढ़ गई, क्योंकि आपको ये देखिए अभी यहाँ पे पानी नहीं, इसके लिए लोग नीचे उतर रहे हैं, लेकिन जब पानी होता था तो यहाँ तक आने नहीं मिलता था। सो यहाँ से पूरा आपको अच्छा व्यू मिल रहा है, अभी पानी नहीं है लेकिन जब पानी भरता है तो काफ़ी सही दिखता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नए दिन और एक नए वीडियो के साथ, ठीक है चलिए।